हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय कुकिंग ब्लॉग। और आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाली मोतीचूर के लड्डू घर पर, बिल्कुल मार्केट जैसी। मैं तो कहूँगी कि ये मार्केट से भी ज़्यादा टेस्टी घर पर बनकर तैयार हुई थी। इस रेसिपी को बनाने में ना तो हम किसी झारे का यूज़ करेंगे, बस किचन में पड़े बेसिक से सामानों के साथ इसे बनाकर तैयार करेंगे। तो फ्रेंड्स, त्योहारों का मौसम चल रहा है तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर से ट्राई करें, और मेरी गारंटी है कि आप एक ही बार में इस रेसिपी को बिल्कुल परफेक्ट बना सकते हो। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर से देखिएगा। तो आज की हमारी रेसिपी मोतीचूर के लड्डू शुरू करते हैं। यहाँ पर एक कप मैंने लिया है बेसन, थोड़ा सा डालेंगे बेकिंग सोडा दो चुटकी के करीब, और साथ ही इसमें डाल देंगे दो चुटकी फूड कलर। मैंने रेड ऑरेंज फूड कलर का यूज़ किया है। और जिस कप से मैंने बेसन लिया था उसी कप से एक कप दूध लिया है, तो दूध जो है हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा ऐड करेंगे, एक ही साथ नहीं डालना है हमें। मिक्स करेंगे इसे नॉर्मली पानी से इसका घोल तैयार किया जाता है, मगर मैं यहाँ पर दूध का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो इसे पानी से भी बना सकते हैं। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए हमें इसे बहुत अच्छे से मिक्स करना है। मेक श्योर कि इसमें कोई भी गुठली वगैरह ना रहे। तो इस तरह से आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में है। बहुत भी ज़्यादा इसे पतला नहीं करना है। तो इस कप से मैंने एक कप बेसन लिया था और एक कप दूध, तो यहाँ पर एक चौथाई कप दूध जो है वो बच गया है। बूंदी बनाने के लिए मैंने लिया है नॉर्मल दूध का थैला, हाफ के जी का जो आता है ना, ये वही है। इसे हम कट कर लेंगे इस तरह से, कॉर्नर से एक साइड आप इसे काट लीजिएगा। ग्लास ले लेंगे और इसके अंदर पैकेट को हम अरेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा होममेड कोन जो है वो बनकर तैयार है। अब इसमें डाल देंगे बेसन का घोल जो हमने बना कर रखा हुआ है, और इस तरह से इसे ग्लास से रिमूव करने के बाद ऊपर साइड हमें एक रबड़ से इसे बिल्कुल अच्छे से बांध देना है, ताकि जब हम इसे प्रेस करें ना तो जो लिक्विड है हमारा ऊपर से ना निकले। तो यहाँ पर कोन जो है बिल्कुल तैयार है हमारा। नीचे साइड बिल्कुल छोटा सा इसमें कट लगा लेंगे, बहुत ज़्यादा इसे बड़ा मत करिएगा। तो मैं जो है ना इसका प्रेशर आपको दिखाती हूँ किस तरह से पैकेट से निकलना चाहिए। ये देखिए, बिल्कुल इस तरह से जब आप इसे प्रेस करें ना तो इस तरह से बाहर आना चाहिए। तो चलिए, अब बूंदी छानने के लिए मैंने यहाँ पर कढ़ाई में डाला है रिफाइंड ऑयल, आप चाहे तो इसे घी से भी छान सकते हैं। तो जब तेल यहाँ पर गर्म हो जाएगा ना अच्छे से, इस तरह से एक बार चेक कर लीजिएगा, बूंदी जो है ऊपर आने लगी है, तो इसी पॉइंट पर हमें बूंदी छानना है। तो सारा बैटर हम एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करते हुए डालेंगे, और गैस का जो फ्लेम है लो टू मीडियम पर रखेंगे। जब झाग ऊपर से हट जाएगा ना, तब हम बूंदी को कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। बूंदी जो है यहाँ पर फ्राई हो चुका है, आप देख सकते हैं, इसे हम ऑयल से बाहर निकाल लेंगे। तो इसी तरह से जितना जो बैटर है हमारा, उन सबका हम बूंदी छान कर इस तरह से तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने सभी बूंदी को छान कर निकाल लिया है, और इसे अच्छे से ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद क्या करेंगे ना, इसे एक मिक्सी का जार लेंगे और जार में हम इसे डाल देंगे। हमें इसे बिल्कुल अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। और बहुत सारे लोग क्या होता है ना कि बेसन के पकौड़े बना लेते हैं और इसके बाद उसे ग्राइंड करके उसके लड्डू तैयार करते हैं, मगर मैंने इस मेथड से बनाकर देखा है तो जो लड्डू है ना वो सॉफ्ट नहीं बनते हैं, कई बार ऐसा हुआ है। तो चाशनी बना लेंगे, जिसके लिए पैन में डाला है एक कप चीनी और एक कप पानी, दो चुटकी के करीब फूड कलर ऐड करेंगे इसमें। साथ ही थोड़ा सा मैंने यहाँ पर केसर ऐड किया है, आप चाहे तो इलायची या फिर केवड़ा वाटर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो चीनी को जो है हमें बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, बस इसे मेल्ट होने तक के लिए हमें इसे 2 से 3 मिनट तक के लिए पका लेना है। जब इसमें उबाल आने लगेगा ना, 2 से 3 मिनट तक ही हमें इसे पकाना है, इसे ज़्यादा चाशनी वगैरह नहीं बनाना है। तो यहाँ पर जो चीनी है ना बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इस पॉइंट पर हम डाल देंगे जो बूंदी हमने ग्राइंड करके रखा है, इसे गैस का फ्लेम हाई कर देंगे और इसे मिक्स करेंगे तब तक जब तक इसमें जो एक्स्ट्रा वाटर आपको दिख रहा है ना, ये पूरी तरह से सूख नहीं जाए। बहुत ज़्यादा भी इसे ड्राई मत कर दीजिएगा, बस इसमें मिक्स हो जाए। इसी पॉइंट पर हम इसमें डाल देंगे मगज दाना मेलन सीड्स, और ऊपर से इसमें डालेंगे 2 चम्मच देसी घी। इस तरह से अगर आप घी इसमें यूज़ करते हैं ना,
तो जो स्मेल है बिल्कुल देसी घी वाले लड्डू का आता है। तो इस तरह से लास्ट में एक बार देसी घी जरूर से डालिएगा। और अगर आपके पास हनी है यानी कि शहद, तो आप 2 चम्मच उसे डाल दीजिएगा, ताकि लड्डू में जो शाइन आता है ना, जो चमक बाजार वाले लड्डू में होती है ना, उस चमक को लाने के लिए इसमें आप शहद डाल सकते हैं। तो इस तरह से घी डालने के बाद हमें इसे बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप देख सकते हैं पानी जो है वो सूख चुका है, गैस को हम बंद कर देंगे, कवर कर देंगे और इसे इसी तरह से आधा पौन घंटा के लिए रहने देंगे, ताकि जो बूंदी हमारी बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और हल्का ठंडा हो जाए। बहुत ज़्यादा ठंडा मत कर दीजिएगा, हमें इसके लड्डू तैयार करने हैं। तो आप देख सकते हैं जो बूंदी है ना, बहुत अच्छे से यहाँ पर सॉफ्ट हो चुकी है। हाथों में थोड़ा सा घी लगा लीजिएगा और इस तरह से थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेंगे, यानी कि आपको जिस साइज़ का लड्डू बनाना है उतना ही पोर्शन लीजिए और हाथों से हल्का हल्का दबाते हुए इसे हमें लड्डू का शेप दे देना है। तो इस तरह से हाथों से राउंड करते हुए हमने यहाँ पर इसे लड्डू का शेप दे दिया है। आप देख सकते हैं चमक जो है वो बहुत ही बढ़िया घी से आई है, जो हमने लास्ट में घी डाला है। बहुत ही मुलायम और सॉफ्ट लड्डू बनकर तैयार हुआ है। ऊपर से थोड़ा सा यहाँ पर चांदी का वरक लगा देंगे, खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर 1 कप बेसन के साथ आप देख सकते हैं मैंने 8 बड़े बड़े लड्डू बनाकर तैयार किए हैं। तोड़कर दिखाती हूँ आपको, आप देख सकते हैं ठंडा होने के बाद भी ये बिल्कुल नरम है, सॉफ्ट है। तो आप भी इस रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर से करें। वीडियो पसंद आती हो तो लाइक कर देना। चैनल पर मेरी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली।